नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुश पांडे, आप देख रहे हैं टॉपिक स्टडी और संडे मॉर्निंग सुबह 6 बजे आपका सबका स्वागत है। एंड आज हम फोकस करेंगे 25 सवालों पर। ये वो 25 क्वेश्चंस हैं जो पिछले एक हफ्ते में मैंने आपसे पूछे हैं, या ये उन करंट अफेयर्स पे हैं जो कि आपने मेरे से पिछले हफ्ते पढ़े हैं। अगर अभी भी आप मेरा द हिंदू शो सुबह 7 बजे वाला और MCQ शो 6 बजे वाला नहीं देख रहे हैं तो देखना शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम चाहे कैसा भी हो, चाहे UPSC का लेवल हो या फिर आपका लेवल हो रेलवे, SSC, बैंक या फिर हरियाणा पुलिस का, वो सारे सवाल वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो एक बार ज़रा बता दीजिएगा मेरे को कि कितने लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं, बिकॉज आज जो 25 वन लाइनर्स हैं ये उन्हीं करंट अफेयर्स पर बेस हैं। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आने वाले महीनों में ये इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन बेस्ड चैनल बनने वाला है। तो ले चलें आपको हमारे आज के पहले सवाल पर, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। According to economic survey, what is the general fiscal deficit in financial year 19? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 19 में सामान्य राजकोषीय घाटा आपका कितना है? दोस्तों इसका जो उत्तर आपके सामने है वो है 5.8%। फिजिकल डेफिसिट आपका टोटल डेफिसिट होता है, जो टोटल घाटा है जो कि एक सरकार के ऊपर है, जिसे उसे समय के साथ कम करते जाना है। आगे बढ़ते हैं। इटली को अपना 55वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला, उसका नाम क्या है? बहुत ही सुंदर आपका ये साइट है, इसका नाम है प्रोसेको हिल्स। यहाँ पर सदियों से आपके जो ग्रेप्स हैं और अलग अलग चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगातार मिलती जा रही हैं, एंड ये 55th आपका विश्व धरोहर इटली का। चलिए आगे बढ़ें, अगले भी चलते हैं। ढींग एक्सप्रेस ने भी हाल ही में 200 मीटर रेस में जीता है गोल्ड मेडल, और इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल कूटनो एथलेटिक्स मीट में। ढींग एक्सप्रेस हीमा दास का एक उपनाम है, एक उनका एक ये फेमस एक पेट नेम नहीं कहूँगा, फेमस नाम दिया गया है उनको। सवाल है कि ये जो एथलेटिक्स मीट है ये आपकी कहाँ पर हुई थी? इसका जो उत्तर आपके सामने है वो है पोलैंड में ये आपकी मीट हुई थी। यहाँ पर हीमा दास ने जीता है दूसरा पिछले दो हफ्तों में अपना गोल्ड मेडल, एंड इसके अलावा एक और हमारी खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी जीता है, उसका सवाल मैं आपसे आगे करूँगा। हाल ही में एक सिटी जिसे फाउंड किया था महाराजा सवाई जयसिंह ने, उसको भी विश्व धरोहर के अंदर दोस्तों रखा गया है। सवाल है कि इस शहर का नाम क्या है? हिंट यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको दे दिया है, इसका हिंट जो है ये सवाई जयसिंह द्वारा शुरू की गई सिटी है। इसका जो आंसर है वो है जयपुर, जो कि कैपिटल भी है आपकी राजस्थान की। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिलीज्ड अ बुक जिसका नाम है विवेकादीपिनी, ये 10 भाषाओं में आपकी रिलीज़ हुई है। द क्वेश्चन इज कि इस बुक के लेखक कौन है? ये मैं आपको हिंट देना चाहूँगा, ये 8वीं सदी के फिलोसोफर हैं और हिंदू धर्म में इनका बहुत बड़ा स्थान है। इसका उत्तर है, आंसर आ जाएगा, वो है आदि शंकराचार्य, ये इसका यहाँ पर सही जवाब है। 36 वर्सेस से मिलकर आपका ये बना है और इसका नाम है विवेकादीपिनी। आगे बढ़े। अरिंजिता दे जिनको हाल ही में सिल्वर मेडल मिला 2019 के वर्ल्ड यूथ कप में, ये किस राज्य से हैं? इसका उत्तर खैर नाम से ही आपको दिख रहा होगा, ये है पश्चिम बंगाल। सवाल मेरा आपसे है कि इनको किस स्पोर्ट में, इनका खेल कौन सा है जिसमें इनको ये मिला है सिल्वर मेडल? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में शो के बाद ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ें, अगले पर चलते हैं। इनमें से उस कंट्री की राजधानी का नाम बताएं जहां के जो नए प्रधानमंत्री हैं, जो न्यू PM हैं, उनका नाम है क्रियाकोस मित्सोताकीस, वो ही इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री। इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा, वो है ऑप्शन, वो है एथेंस। ग्रीस का की हम बात कर रहे हैं, जहां की करेंसी अब यूरो हो गई है और जहां का कैपिटल जो है वो बहुत ही मशहूर पुराना शहर है जो कि है आपका एथेंस। आगे बढ़ें। इंडियन पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन जिसके तहत वो ड्यूटी लगाएगा हर उस उत्पाद पे, हर उस गुड्स पे जो कि या तो पाकिस्तान से आया है या पाकिस्तान से उसकी शुरुआत हुई है भारत में आने की। इसका उत्तर है, वो लगाएगा 200% का कस्टम्स ड्यूटी ऑन एनी गुड्स दैट इज़ ईदर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पाकिस्तान और इट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। दोनों ही केसेस में आपका ये 200% का कस्टम ड्यूटी लगाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये वो 25 सवाल हैं जो मेरे हिसाब से मैंने इसको चुना है, ये वो 25 सवाल हैं जिनको तो आपको याद रखना ही है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। एयू सेलेसिन का निधन हो गया। सवाल है इनका संबंध किस खेल से था या किस क्षेत्र से था। ये एक स्पोर्ट्स पर्सन थे और इनका संबंध फुटबॉल से था। ये गोलकीपर का रोल भी इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक किया अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ नॉर्मल फुटबॉल प्लेयर। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से क्या कहूँगा, ऑप्शन तो है नहीं। इस साल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा वर्ष का 2018-19 का सबसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका जो उत्तर है वो है सुनील छेत्री। आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश ने हाल ही में अपना खुद का एक सीड्स ब्रांड बनाने की बात कही है। इस सीड्स ब्रांड का दोस्तों नाम क्या है, इसका उत्तर आपके सामने जो आ जाएगा वो है सहज बीज। ये दोस्तों इसका नाम है, इसको बनाने की बात उन्होंने यहाँ पर कही है। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से किस देश का एक डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, जिसको दुनिया का सबसे महंगा द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट कहा गया है फॉर प्राइम ऑफिस रेंट्स। जैसे कि इंडिया में कनॉट प्लेस की बात करें, लोधी मार्केट की बात करें, मेरे शहर हजरतगंज की बात करें, उसी तर्ज पर दुनिया का सबसे महंगा आपका एक्सपेंसिव मार्केट इनमें से कौन सा है या कौन सा है वो या कौन से देश का आपका जो मार्केट नाम देखिए लिखा हुआ है, मेरी गलती है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। इसका उत्तर है, ये मार्केट आपका जो है वो हांगकांग में आता है। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 19वीं कॉमनवेल्थ फॉरेन अफेयर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। ये मीटिंग कहां पर हुई, इसका जवाब चाहता हूं मैं आपसे, और ये मीटिंग आपकी लंदन में हुई। आगे बढ़ते हैं। एशिया का जो पहला सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट है माउंटेन मेडिसिन का, हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू का, ये किस भारतीय राज्य में दोस्तों आपका बना, तो इसका जो उत्तर आपके सामने है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों आपका ये बना। अच्छा, अगर वीडियो सही लग रहा है आपको अभी तक, तो जितना चाहे इसको शेयर करें, क्योंकि सौरभ सर और हम सबका मानना है कि हम आने वाले महीनों में इसको इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन बेस्ड चैनल बनाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। हर तरह के एग्ज़ाम को हम यहाँ पर लेके आएंगे। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सा देश चौथा देश बना WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, भूटान, मालदीव्स, तिमोर लेसे के अलावा, जहां पर खसरा या जो मीजल्स है उसको और रुबेला को, मीजल्स को ख़त्म कर दिया गया है और रुबेला को जो है उसको नियंत्रित कर दिया गया है, इसका जवाब मैं चाहता हूँ। इसका उत्तर जो आपके सामने है वो है श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक यूनिक स्ट्रैटेजी का नाम है प्लान बी, उसको किस रेलवेज ने इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से जो जंगली हाथी हैं वो अब ट्रेन ट्रैक्स पे आने से कतरते हैं, बिकॉज एक बी साउंड निकलती है उस वजह से वो वहाँ पर नहीं आते। इसके लिए उन्हें हाल ही में बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड जो है वो भी मिला। तो इसका उत्तर जो आपके सामने है वो है द नेशनल फ्रंटियर रेलवे, या अगर मैं एग्जैक्टली यहाँ से बताऊँ, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA, DGCA के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है, इसका उत्तर आ जाएगा वो है अरुण कुमार, इनको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल। विस्थापित मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जो वर्तमान में म्यांमार के रखीन जिले में रहते हैं, जिनमें बहुत सारे लोग रोहिंग्या के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें भारत ने कितने घर सौंपे हैं, व्हाट हाउ मेनी हाउसेस हैव दे बीन गिवन, इसका जो उत्तर आपके सामने है वो है 250। आगे बढ़ते हैं। कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स ने हाल ही में एक बड़े पैमाने पर एक मैसिव एक्सरसाइज की, उसका नाम है ऑपरेशन सुदर्शन, इसका उत्तर है इसका नाम है सीमा सुरक्षा बल या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सवाल मेरा आपसे यहाँ पर एक और भी है कि BSF के इस समय डायरेक्टर जनरल कौन है, इसका जवाब भी मैं आपसे चाहता हूँ। ये जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हाल ही में भारत ने वर्टिकल स्टीप डाइवर्जन किस मिसाइल का दोस्तों टेस्ट किया है, वर्टिकल डीप डाइव संस्करण जो एक नया फीचर होगा उस मिसाइल का, वो किस मिसाइल के लिए टेस्ट किया गया है, तो उसका जो उत्तर आपके सामने है वो है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है वो ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कवा, ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया की है, मॉस्कवा रिवर आपकी रशिया की है, उनसे मिलकर बना है और इसको ब्रह्मोस एविएशन ने मिलकर बनाने में हेल्प किया है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं।
कौन से स्टेट ने हाल ही में 1600 पर्यटक स्थलों को विकास करेगा, विच स्टेट विल डेवलप 1600 टूरिस्ट स्पॉट्स अंडर द अग्जोम दर्शन योजना, कहां पर ये आपका दोस्तों होने वाला है, इसका जो उत्तर है वो है असम या फिर असोम। आगे बढ़ते हैं, कौन सी कंट्री में आपका आगामी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता, कौन सा वर्ल्ड कप, कौन सी वो देश है जिसने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को जीता है। वेल, बहुत सरप्राइज वाला बात है बिकॉज यूएसए जो कि आमतौर पर एक फुटबॉल नेशन नहीं है, ब्राज़ील अर्जेंटीना की तरह बहुत बड़ा नेशन नहीं है, पर इसने महिलाओं में तो कम से कम जो फीफा वर्ल्ड कप है उसको जीत लिया है। आगे बढ़ें, कौन भारत का डेलीगेशन को लीड कर रहा है G20 के मिनिस्टीरियल मीटिंग में जो कि जापान में हो रही है या होगी, कौन इसको मीटिंग को लीड करेगा या कर रहा है, इसका उत्तर है आपके सामने पीयूष गोयल जो कि भारत के कोयला और एनर्जी और रेलवे मिनिस्टर भी हैं, ये इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वो आपका नोडल मंत्रालय है जो कि अंतर्राष्ट्रीय योगा जो दिवस है उसको देखता है, क्यों उस मंत्रालय का दोस्तों नाम क्या है, बहुत ही आसान है, इसका जवाब आप में से कई लोग पता होगा, वो है आयुष मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जहाँ पर जो आयुष है इसका फुल फॉर्म है आयुर्वेदा योग यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं, शुक्रिया दोस्तों आपका आने का, ये पहला हफ्ता है टॉपिक स्टडी पे मेरा और हमारी टीम का साथ देने का, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने वीडियो से पसंद किया। अगले हफ्ते हम उम्मीद करते हैं आप बड़ी संख्या में आएंगे एंड इस चैनल को आप सबसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मिलता हूँ अब आपसे मैं कल सुबह 6 बजे MCQ में एंड फिर सुबह 7 बजे द हिंदू करंट अफेयर शो में, देखना मत भूलिएगा। और आखिरी बार, मुझे पता है ज़िद्दी हूँ मैं, पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।